जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 4:18 हो गई है। मार्केट ने सब कुछ वैसा ही किया, सिर्फ बैंक निफ्टी लास्ट में चलाया भी था लेकिन फिर रुक गया साला, पता नहीं क्यों। और निफ्टी मैंने बोला था लास्ट में जानबूझ के गिरेगा, वो क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। वो फ्यूचर्स का प्रीमियम घटा के उसको गिरा दिया, स्पॉट को वैसे ही रहने दिया, स्पॉट को ऊपर ही क्लोज किया। अब नेक्स्ट वीक बड़ी तेजी और होगी, ये तो दिख रहा है। और बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, स्पॉट में मैंने आपको बोला था 815 के ऊपर ब्रेकआउट है, तो आज की क्लोजिंग क्या आई है, 835। रेड कैंडल होते हुए आज वो ग्रीन है, समझिएगा इस बात को। कल की 48071 थी, ऑब्वियसली उससे नीचे क्लोज किया, लेकिन रेड होते हुए ग्रीन है, वो समझाऊंगा मैं भी। और नेक्स्ट वीक के कॉल मैंने भी आज नेक्स्ट वीक के कॉल लिए थे, सुबह ही ले लिए थे, तो मेरे भी घाटे में रहे, लेकिन मैंने काटा नहीं है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट वीक फाड़ के तेजी होगी। बैंक निफ्टी में शायद 1000 पॉइंट की मिनिमम होगी, मिनिमम 1000 पॉइंट की, जो यहाँ पे क्लोज हुई है 835। आप 1000 पॉइंट लिख लीजिए, 47835 की क्लोजिंग आई है ना, 48835 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक में। अब आज गिरावट निफ्टी में भी आपको लगा होगा गिरावट हो रही है, लेकिन वो गिरावट नहीं थी, समझाता हूँ। देखिए ये प्लस में बंद हुआ, 19 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, ठीक है, 19 पॉइंट, 493 पे क्लोज आया, जबकि कल 474 पे क्लोज था, आज का हाई 525। तो अगर आप हाई से डिफरेंस देखोगे, क्लोजिंग का हाई और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, 525 का हाई है, 493 की क्लोजिंग है, यानी कि 25 7 32 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है हाई से आज के क्लोज में। 430 का लो है और लो से हम 63 पॉइंट्स ऊपर है, तो ये ऐसे ही पॉजिटिव हो गया। अब निफ्टी बैंक में क्या हुआ कि आज प्रीवियस क्लोज कितनी थी इसकी, वो 965 थी क्या, तब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। सॉरी, आज का हाई था 48071, ठीक है, आज के ओपन से क्लोज नीचे हुआ है, ऐसे आपको बुरा दिखेगा लेकिन ये सबसे ज्यादा भागेगा। आज भी 835 कितना ज्यादा नीचे क्लोज किया, और आज भी अपने लो से 90 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आई है इसकी, चेक करिए। अब आपको ये समझाता हूं क्यों ऐसा किया आज इसने, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। पहले हम निफ्टी के चार्ट पर चले जाते हैं, क्रूड ऑयल का चार्ट में क्या दिख रहा है, क्रूड साला है तो तेज, लेकिन ये गिर क्यों जाता है। देखो, एक क्रूड ऑयल ने एक बुलिश साइन तो दिया है, ये देखिए यहाँ हर एक लो हायर लो बना रहा है, और क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगता है शाम को क्रूड ऑयल बहुत भगाएगा, ऐसा लगता है, ये देख के लगता है ऐसा इन्वर्टेड फ्लैग है। क्रूड ऑयल जब तक इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं आए, ये लेवल है 6210, इसके नीचे गिरेगा क्लोज होगा तो इसमें बड़ी मंदी आएगी, बड़ी मतलब ये 5700 से लेके 5500 तक जा सकता है उसके बाद। लेकिन 6210 अभी कितना चल रहा है, 6509, और ऊपर ये लेवल तोड़ दिया 67 से, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा ही, 6 7। कल शायद इवनिंग में हमारा M6 खुला रहेगा, ये क्रूड ऑयल का मेरा टारगेट है 6777, ठीक है, और इसके ऊपर अगर क्लोज किया तो फिर ये बहुत बड़ी रैली हो जाएगी, और नीचे में 6210 के नीचे क्लोज किया तो खेल खत्म। चलिए इसको हटाते हैं, अब बंद करो इसको। पहले मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आज का डेली चार्ट है,
आप देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रखा था एज इट इज है, कोई चेंज नहीं किया। आज का अगर मैं आपको दिखाऊं बड़ा करके, तो आज का क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर आया जो ब्रेकआउट लाइन है ना। कल ब्रेकआउट था, आज ब्रेकआउट लाइन के ऊपर क्लोज किया वीकली क्लोज। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें देखिएगा, इस हाई को लिया, इस हाई से इस हाई को कनेक्ट किया, ये हाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, ये हाई भी कनेक्ट हो गया, ये ब्रेकआउट आ गया और आज ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट। अब यहाँ से रैली ऐसी बनेगी भाई साहब, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये लोग बहुत बड़ा ऑपरेटर, इतना जबरदस्त गेम खेल रहे हैं, आप यू कांट इवन इमेजिन। जबकि कल का जो ब्रेकआउट आया था इतना सुपर ब्रेकआउट, हाँ उसको अगर फेल कर देता आज, अगर यहां कहीं क्लोज करता, अब होगा क्या, ये मंडे को स्टार्ट करेगा, ये मुझे ऑल टाइम हाई लग रहा भैया, मतलब आज की क्लोजिंग से मैं 1000 पॉइंट नेक्स्ट वीक कंफर्म देख रहा हूँ उसको ऊपर। अब 2 दिन के ग्लोबल क्लोज हमको डाइजेस्ट करने हैं, आज रात का डाउ कल रात का डाउ, ये एक खतरा है, आज रात का डाउ कल रात का डाउ, उसके बाद शनिवार रविवार की न्यूज़, क्योंकि शनिवार रविवार को ग्लोबली बहुत कुछ होता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई वार हो जाता है, तो ये सब है खतरा। इसीलिए कॉल के रूप में तेजी, तो ये 1 2 3 तीन पॉइंट को टच किया, चौथा पॉइंट ऑटोमेटिकली टच हो गया। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ गया और ये रिटेस्ट हो गया, फर्क कुछ नहीं पड़ा भाई साहब। आज का दिन था खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा आना, खाली आपका प्रीमियम रिड्यूस हुआ जो आपने नेक्स्ट वीक के या उससे नेक्स्ट वीक के या एक्सपायरी एंड के, 27 वाली एक्सपायरी है इसकी, इसकी 28 की नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये कब वीक हो जाएगा, इसको आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। पहला साइन इसका वीकनेस का कैसे आएगा, देखिए एक सीधी लाइन में ये लो से इस लो को कनेक्ट करके एक लाइन खींचिए, तो क्या ये इस दायरे के नीचे आया, ये एक पहला साइन मिल जाता आपको, इसके नीचे आता तो आज तो इसके नीचे आने के लिए इसको यहां आना पड़ता था, 47,682 के नीचे आना पड़ता था। अब मंडे को ये जरूर है कि इसके नीचे भी क्लोज किया 822 के भी नीचे तो भी खतरा है मंडे को, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, एक ट्रेंड ऊपर का ही चला जा रहा है, इसको अप ट्रेंड ही बोलेंगे। अब आप इस लाइन से क्या समझ रहे हो, ये अप ट्रेंड में ही है, ये आपको शिक्षा दे रहा हूं मैं, ये लाइन क्या बोल रही है, ये अप ट्रेंड ऊपर की साइड जा रही है, और इस लो से देखिए, इस कैंडल के लो से मैंने कनेक्ट किया, इस कैंडल के लो को कनेक्ट किया, और अभी तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है। ठीक है, जबकि आज तो यहीं पर लो मारा है, इस ट्रेंड लाइन को छुआ भी नहीं, तो अब कल क्या होगा, इस जगह कहीं लो मार के ऐसा भागेगा। अरे यार फोन को एक सेकंड साइलेंट कर दो, तो ये एक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लियरली अब ट्रेंड में, तो बैंक निफ्टी में कोई डर की बात नहीं है। अब आ जाते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो गई तो हम लोग वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। प्रगति सुन बेटा, हेलो, ये फोन वहां ले जाके चार्ज में लगा दे, मेरा लगा।
अब अगर आप वीकली में देखो तो ये ब्रेकआउट आया है, आज वीकली ब्रेकआउट आया है, आप देख सकते हो। वही लाइन में एज इट इज रखा हूँ, वही लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट टच हुआ और ये ब्रेकआउट का पॉइंट। और अगर इसको ऐसे करूँ तो ये अभी भी अंदर है, लेकिन वहाँ हमको डेली में यही पॉइंट मिल रहा है, तो परफेक्ट चांसेस है यहाँ पे एक बड़ी तेजी की। इतना बढ़िया वीकली कैंडल बना है, इतना बढ़िया, ये जो इतनी बड़ी वीकली कैंडल बनी थी इसको पूरी तरह से कवर किया, लेकिन इसको इस कैंडल को कवर करने के लिए इसको कितनी वीक लगी, 1, 2, 3, 4 वीक तो ये इसके नीचे ही नीचे रहा, 5, 6, 7वीं वीक जाके इसके आसपास इसके 50% के काफी ऊपर बन गया। तो वीकली में तो बढ़िया दिख रहा है चार्ट। एक काम करता हूँ, स्टडी को एक बार हटा देता हूँ, वीकली कैंडल देखते हैं हम लोग क्या फर्क पड़ रहा है। अब वीकली में भी हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे वीक के हिसाब से, अगर देखो एक तो छोटा स्टॉप लॉस होता है जो मैंने बताया आपको, उसका सपोर्ट 832, और इसको बड़ा सपोर्ट कहाँ पे वीकली, इस जगह नेक्स्ट वीक के लिए ये सपोर्ट बनता है बड़ा 47। ये बहुत, जो लोग महीने भर के लिए पोजिशनल खेलते हैं, महीने भर के लिए, उसके लिए स्टॉप लॉस बनता है 47,025 के नीचे की क्लोजिंग, जो कि यहाँ से 800 पॉइंट नीचे है। नेक्स्ट वीक यहाँ जाएगा क्या, 48,636 जो हाई है वो क्रॉस हो जाएगा इसका मतलब। चलो नहीं, 48 कितना दिखा रहा है, 636 ही हमारा हाई है, ये हाई है, यहाँ पहुँचा देगा नेक्स्ट वीक। तो ये अभी भी बहुत स्ट्रांग है, आप देखो वीकली में, आप देखो हायर हाई एंड हायर लो, और पिछले वीक का जो हाई था उससे काफ़ी ऊपर क्लोज किया। पिछले वीक का हाई कितना था, 47,342, उससे हम 500 पॉइंट ऊपर क्लोज किए, तो इट इज़ ए बुलिश, बैंक निफ्टी इज बुलिश क्लियरली, ठीक है। अब यही मामला हम निफ्टी में देखते हैं, पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं। अब आप देखो ये जो छोटी सी रेड कैंडल बना है आज डेली में, ठीक है, कल का हाई था 497 कल का, अब आज की क्लोजिंग ही हाई के आसपास है, कल के 480, आज की कितनी है क्लोजिंग, ये गलत बताता हूँ, क्लोजिंग सर आज की क्लोजिंग यहाँ दिखे 494, ऑलमोस्ट कल के हाई के पास। कहाँ गिरावट आई है भाई, कुछ नहीं, लेकिन आपको फ्यूचर्स में क्या कर दिया, ये देखिए फ्यूचर्स में इसने कैसा उल्लू बनाया, मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्यूचर्स में 619 का हाई है, ठीक है, और लास्ट ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, 539 पे हो रहा है, 538 पे, 619 माइनस 538 लगभग 80 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा फ्यूचर्स में, ध्यान रखिएगा, जबकि स्पॉट में आज के हाई था 500 समथिंग, 523, और लास्ट क्लोजिंग आई है 5493। तो फ्यूचर का प्रीमियम घटा दिया इन्होंने आज, और कुछ नहीं किया। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड केयरफुल। ये जो होशियारी लोगों ने मारा है, अरे गोल्ड गिरा है, गोल्ड थोड़ा नीचे है, करेक्ट, मैंने अभी सेल करवाया था,
मतलब प्रॉफिट बुक करवाया था 410 पे। लेकिन गोल्ड वापस बाई करने लायक होगा अगर ये 65,100 के आसपास मिले तो बाई कर लेना चाहिए वापस। अभी बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो अलग बात है। तो निफ्टी में ये चीज हुई। अब निफ्टी का चार्ट पे वापस जाते हैं। क्लोजिंग इसमें तो गलत लिखता ही है, आपको पता ही है, और वो बाद में ठीक हो जाएगी, पता नहीं। ये लीजिए निफ्टी की मंजिल, नेक्स्ट वीक आपको 22,708 तो दिख ही रहा है। ये मतलब नीचे ये पॉइंट है जहाँ पे बाईस हजार 100 को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस 700 तो पहुंचा देगा ही। ऐसे बनाता हूँ, खतरा तो दिख रहा है यार इसमें, निफ्टी में खतरा दिख रहा भाई। निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट अगर हम लोग बना दें इसको, ये लाइन से इसको कनेक्ट करके, ये सारे हाइस कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, आज का भी हाई कनेक्ट हो रहा है। निफ्टी में डाउट क्रिएट हो गया यार। वीकली चार्ट देखते हैं, मगर क्लोजिंग तो बहुत अच्छी आई है। कोई डर नहीं है, नो फियर एट ऑल। निफ्टी में भी कोई फियर नहीं है। अब ग्लोबल एक्चुअली आप देखो तो 3 दिन की ये छुट्टियां, आने वाले 3 दिन, वो वहां से क्या खबरें आती है वो इंपॉर्टेंस रखेगा। बाकी ये भी वीकली चार्ट देखो, इसने तो ओपनिंग भी पिछले वीक के काफी हाई ऊपर हाई किया, खाली इसको टच करने आया पिछले वीक का हाई के आसपास और पूरा ऊपर की तरफ। और ये 4 वीक से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा है, 4 वीक से। 5वीं वीक यहाँ बनाएगा क्या? 742 के आसपास का ही बनाएगा क्या? यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीक कंटिन्यू रेड ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद रेड बनाया। अगर ये 7 वीक भागेगा तो भैया 23,000 भी आ जाएगा। अब आपको देखिए ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगी नेक्स्ट वीक, वही 22,128। मैंने बोला ना 22,100 एक ऐसा लेवल है जो टूटा तो जय श्री राम करके शॉर्ट मार देना सब लोग। ये सपोर्ट आ रहा है 22,128 पे नेक्स्ट वीक के लिए। तो 22,100 टूटते ही आप पूरी तरह से शॉर्ट में आ सकते हो।
अभी तो बहुत ऊपर, अब 22,493 पे है, 393 पॉइंट पहले गिरना पड़ेगा इसको। आज की क्लोजिंग ये है, ठीक है। तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं दिखती है, नो तकलीफ एट ऑल। एनीथिंग, कुछ भी नया रहेगा, आज डाउ जोन्स कैसा बिहेव करता है, क्योंकि कल भी छुट्टी है, शिवरात्रि है, तो कल भी एक कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाऊँ, भले ही आफ्टरनून में। कल हमारे यहाँ ठंडाई वंडाई का प्रोग्राम रखा है बिल्डिंग में, तो देखते हैं कल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।